देख सकते हैं कि दिनकर जी उर्वशी की पुस्तक से ली गई है कि मर्त्य मानव की विजय का तूर्ज हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, ये उन्होंने लिखा था। और आज परिस्थितियाँ क्या हो रही है देश के अंदर, हम आ गए हैं राष्ट्रकवि दिनकर की धरती पर, उनके गांव में, उनके घर के ठीक सामने मैं खड़ा हूँ और उनके परिवार के जो सदस्य हैं, क्या नाम है सर आपका? नरेश प्रसाद सिंह, ये उनके भतीजा लगते हैं। मेरी बात हो रही है सर, बताएंगे कि 2019 के चुनाव में दिनकर की धरती क्या बोल रही है? मोदी जी का प्रचार ज्यादा है। अच्छा, कैंडिडेट लेकर जो विरोध हो कि बाहरी कैंडिडेट को क्या दिया। आप दिनकर जी के खानदान से हैं, क्या लगते हैं दिनकर जी आपको? चाचा लगते हैं आप। बेगूसराय की धरती का नाम दुनिया में के परचम में लहराने वाले लोग, आज उसी धरती को लोग क्यों कोसते हैं? ये तो अपना अपना विचार है, कोसने वाले जाने उनको क्या तकलीफ है इस धरती से। क्या लगता है देश का प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए, ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी? नहीं नहीं, वो सब कौन क्या होगा, फिर फिर के आता है बात, वही नरेंद्र मोदी। क्या लगता है आपको किसको इस बार, मतलब सरकार किसकी होनी चाहिए? नरेंद्र मोदी को। आपको कुछ फायदा मिला हमको? और के मन के चलिए, लकड़ी में जलाने वाले चूल्हा, आप बसर उनके रहने पर हम लोग को घर घर सिलेंडर, सरकारी घर, शौचालय, हर चीज़ मिला, हर चीज़ से सुविधा है, इसलिए उन्हीं को रहना चाहिए। उनका चुनाव चिन्ह जानते हैं? उनका चुनाव चिन्ह क्या है अभी तो चुनाव? बीजेपी का चुनाव चिन्ह पता नहीं है आप? नहीं। आप देख सकते हैं दिनकर जी का गाँव है और ये पीछे उनका मकान है, आप दिखाए पीछे पीछे का मकान दिखाएं आप, और मैं उनके गांव में हूं। उन्होंने लिखा है कि धरती के भाग हरे होंगे, भारती अमृत बरसाएगी, दिन की कराल दहकता पर चांदनी सुशीतल छाएगी। आइए हम आपको यहाँ के ग्रामीण से बात करते हैं कि 2019 के चुनाव को लेकर के उनको क्या लगता है, 2019 में क्या लगता है किसकी सरकार होगी? नरेंद्र मोदी। अच्छा, मोदी क्या होगा? हट के जाएगा बंबई घुमाने के लिए। कौन? मोदी सरकार। अच्छा, और आएगा कौन? आएगा, उनको पहले नाम पता थोड़ी है भैया। अच्छा, ठीक ठीक है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है, आप उनके गांव से हैं, आप बताइए कि आप क्या बोलिएगा? कुछ नहीं बोलिएगा। मैं अभी निकट के बाजार में खड़ा हूँ और ये जगह बहुत चीज के लिए नामी है। सर्वप्रथम तो बेगूसराय की वह धरती है जहाँ राष्ट्रकवि दिनकर का खेलना कूदना भी हुआ है, और इसी क्षेत्र से सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया कुमार भी हैं। हम जानते हैं कि क्या राय देते हैं यहाँ के लोग कि 2019 का चुनाव कैसे होगा। इधर जा रहे हैं यहाँ से बात बताएगा, आप अच्छे से बात करते ऐसे बताएंगे कोई, इतना आसान है ठीक। इधर तीस नेशनल कैसा होना है भयानक, कैसा होना है 2019 में का चुनाव जिनके पक्ष में जा रहा है बीजेपी, किस करवट बैठने जा रही है बिहार में?
धनवीरा सर कहीं नहीं है, इनका पर्दा भारी लग रहा है। ऐसा चुनाव किस करवट बैठने जा रही है बिहार? सही क्या हो सकता है? एकदम ऐतिहासिक चुनाव जा रहा है। मतलब अब तक क्या लगता है सर्वश्रेष्ठ चुनाव? अब तक का सर्वश्रेष्ठ चुनाव एक से एक है। 2019 का चुनाव बिहार की धरती क्या संदेश देना चाहते हैं? बस कन्हैया भारी बहुमत से विजय हो रहे हैं। अच्छा, एकदम तनवीर हसन क्यों? तनवीर हसन इसलिए नहीं क्योंकि हमारे कन्हैया जो है हमारे गांव के हैं, उनको एक बार चांस देना चाहिए। और युवक हैं और युवक के फैन हैं, और युवक भी चाहते हैं कि हमारे कन्हैया जो है बिहार के धरती पे वो सांसद बने। अच्छा, आप बताएं क्या लग रहा है आपको कन्हैया जी? आप सबसे बुजुर्ग मतदाता में से हैं, आपकी समझ क्या बोलती है इस बार के चुनाव को? हमारा गांव का लाल है उसके पक्ष में। अच्छा, कौन है लाल? कन्हैया कुमार। 2019 का चुनाव अच्छा बहुत सारा मुद्दा है, स्कूल के बात करना नहीं चाहते। 2019 का चुनाव, 2019 में फिर से मोदी का सरकार बने, इसमें कोई शक ही नहीं है। बेगूसराय संसदीय क्षेत्र का क्या हाल होगा? यहाँ तो हवा बहुत है, मगर ऐसे ही बीजेपी यहाँ जीत जाएगी। एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी। बुजुर्गीय का ख्याल 2019 के चुनाव में कैसे चुनाव जो है आम पंच का संगठन है, इस जगह से वामपंथ को उसका है। आप क्या कहते हैं? हम तो आप किसको देंगे? तनवीर हसन को।